मैं अंकित पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल न्यू अकेडमी में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जो है सेजफल प्रमेय का अध्ययन कर रहे हैं, उसके अंतर्गत अभी तक एक वीडियो जा चुका है जिसमें हम लोग जो है मल्टीपल्स में जो होते हैं और जो है जो प्लस में होते हैं उसका अध्ययन हमने किया है। जैसे आपको एग्जाम्पल लेके हम बता देते हैं, जैसे 39 × 56 / 4 में शेषफल क्या आएगा, इस प्रकार के प्रश्नों को हमने जो है कर लिया है। जो मित्र उसको नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है सारी प्लेलिस्ट बना दी गई, आप मैथ के प्लेलिस्ट में जाके उसको लास्ट में पा जाएंगे, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, इस टाइप का हो गया। और हमने ये भी पढ़ा है कि 39 + 56 / 4 में कैसे निकालेंगे, ये दोनों टाइप्स हो चुके हैं। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एक नया टाइप है, जैसे कि इसमें क्या होगा कि आपको कुछ मल्टीपल्स कुछ डिजिट का मल्टीपल्स दे देगा और पूछेगा कि अंतिम दो अंक कौन से होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं, जैसे 39 × 15 और 50 × 57 ऐसे ऐसे करके 98 × 71 करके है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ऐसे कोई भी डिजिट दे सकता है, कितना भी बड़ा दे सकता है और पूछेगा कि बताइए कि इसके अंतिम दो अंक कौन होंगे। तो अगर हम इनका अगर अपने बेसिक से करें तो बहुत बड़ा हो जाएगा, सारे का मल्टीपल करने के बाद लास्ट में दो डिजिट निकालना बहुत ही जो है बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, एक आधार बनाते हैं कि इसको कैसे हम समझेंगे, इसको आसानी से कैसे हम निकाल सकते हैं। देखिए, इसके लिए हम पहले अपना बेस बनाते हैं। बेस में आइए हम समझते हैं इसमें क्या है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि 27/6 में शेषफल ज्ञात कीजिए। तो अगर हम पूछें कि इसमें बताइए शेषफल कितना आएगा, तो आप कहेंगे 6 × 24, 4 × 3 शेष बच गया। ठीक है, तो ये आपने आसानी से बता दिया। अब इसका हम एक शॉर्ट भी अपनाते हैं कि इसको और दूसरे मेथड से कैसे कर सकते हैं, उसको समझेंगे। देखिए, आप देख रहे हैं 27/6 है, तो अगर इसको हम 3 से पहले डिवाइड कर दें, 3 × 9 = 27, 3 × 2 = 6, तो 9/2 हो गया। क्या हो गया, ये आपका 9/2 हो गया। और 9/2 को जब काटेंगे तो 2 × 8 = 1, 9 बच गया। ठीक है, तो शेषफल यहाँ पे 1 आ रहा, लेकिन आना कितना चाहिए, 3 आना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने पहले इसको 3 से डिवाइड कर दिया है। तो जब इस प्रकार के प्रश्नों को करना है, अगर हम जिससे 3 से जिसे जिस भी संख्या से उसको सिंप्लीफाई करते हैं, लास्ट में जो आ रहा है शेषफल उसको उसी अंक से आप गुणा कर दीजिए, तो आपके जो है शेषफल निकल आएगा। देखिए, यहाँ पे हमने इसको लिखा हुआ है हाईलाइट करके, जिस संख्या से सरलीकरण किए हैं उसी संख्या से गुणा करने पर वो आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस कॉन्सेप्ट को आई होप समझ गए होंगे। ठीक है, समझ लीजिए एक बार इसको। अगर 27/6 दिया है तो 6 × 24, 3 शेष आएगा। अगर लेकिन हम देख रहे हैं कि 27 और 6 3 से कट सकते हैं, तो हमने उसको काट लिया, 3 × 9 = 27, 3 × 2 = 6, तो 9/2 हो गया। 9/2 को जब 2 से काटेंगे, 2 × 8 1 बचेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने ऑलरेडी उसको 3 से काट लिया है, 3 से कर लिया है सरलीकरण, तो यहाँ पे लास्ट में आपको 3 से गुणा करना पड़ेगा। आप बस समझते रहिए, आगे इसका यूज कैसे होगा आप समझेंगे। अभी जस्ट हम इसके बाद जो है उसके प्रश्नों को लेते हैं। अब देखिए, जब अंतिम अंक की बात करा, यहाँ पर तो 2 अंक, अभी इस वाले प्रश्न में केवल 2 अंक पूछा है। ठीक है, हो सकता है कि वो आपसे क्या पूछ ले, लास्ट 1 अंक पूछ ले, लास्ट 2 अंक पूछ ले, लास्ट 3 अंक पूछ ले, लास्ट 4 अंक भी पूछ सकता है। तो उन प्रश्नों को कैसे करेंगे, एक कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लीजिए। क्या करते हैं कि अगर लास्ट 1 अंक के लिए हम 10 से भाग करेंगे, लास्ट 2 अंकों के लिए 100 से भाग करेंगे। ठीक है, यहाँ अगर हम समझने की कोशिश करें, एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि जितना वो बोले, जितना अंक बोले, जैसे 1 अंक के लिए तो 1 अंक के लिए 1 लिख के उतना 0 बढ़ा दीजिए, 2 अंक के लिए बोले तो 1 लिख के 2 0 बढ़ा दीजिए, 3 अंक के लिए बोले तो 1/1000 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, 1000, अगर 1 अंक के लिए 10 से भाग, 2 अंक के लिए 100 से भाग, 3 अंक के लिए 1000 से भाग, समझ गए कि जितना बोलेगा 1 लिख के उतना 0 से भाग कर देंगे। ठीक है, ये 2 कॉन्सेप्ट हैं जो कि इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने में हमारी बहुत सहायता करते हैं। ठीक है, तो समझ गए कि अगर कट रहा है तो पहले उसको काट लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आसान हो जाएगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं प्रश्न। देखिए, हमने वही प्रश्न ले रखा है कि 39 × 57 × 24 × 1872 × 9871 में अंतिम 2 अंक ज्ञात कीजिए। तो अंतिम 2 अंक के लिए क्या करेंगे, हम 100 से भाग करेंगे, तो हमने इसको लिख लिया। ठीक है,
39×55×57×24×1872×9871 100। अब देखिए क्या करेंगे हम, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। 100 को सिंप्लीफाई कर लेंगे, जितना कट रहा है उसको काट लेंगे। हाँ, और जिससे काटेंगे उसको यहाँ बगल में लिख लेंगे, क्योंकि उसी से लास्ट में गुणा करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इसको पहले हम जो है इसको काट दिए जो है 4 से, कितना आ गया 25 आ गया, ठीक है। फिर इसको 4 से आप काटेंगे तो 18 शेष बचेगा, ठीक है। इसको लास्ट दो डिजिट को ही काटना है, बाकी को नहीं काटना है। तो 18×72 आ गया यहाँ पे, देखिए ये इसको हमने काट लिया, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर हम देख रहे हैं कि ये 25 हो गया, तो फिर 5 से काट दीजिए इसको, 5×25 यहाँ 5 हो गया, ठीक है। फिर देखिए यहाँ 5 है, कट जाएगा ये, यहाँ पे आ गया आपका 11 आ गया, क्या गया 11 आ गया। अब यहाँ नीचे 5 बचा, यहाँ पे 39×11×57×24×18×1971 है। अब इसको 5 से काटना है। कल वाला जो वीडियो देखे हैं लोग, उनको आज समझ में आने वाला है, जो नहीं देखे हैं वो जाके पहले देख लें, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम, इसको काटना है, ठीक है। 5 से 5 सते 35, 4×39 चाहे 4 लीजिए, चाहे प्लस का 4 लीजिए, या 5×48 तो -1, हमने माइनस का लिया है, -1 यहाँ आ गया, ठीक है। फिर हमने इसको किया 11 काटा, 5×2 +1 1 आ गया, ठीक है। इसको काटेंगे तो 11×55 प्लस का 2 आ गया, ठीक है। इसको काटेंगे तो 5×25 -1 हमने ले लिया। इसको काटा 5×20 तो -2 हो गया, ठीक है। इसको हमने काटा, ठीक है, तो +1 हो गया, ठीक है। तो इसके बाद हम सारे को मल्टीपल कर लेंगे, ठीक। तो एक एकन्नम देखिए, एक एकन्नम 1 हो गया, -1, ठीक है, 2, ठीक है, -1, और ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा जो है -2, ठीक है, -2। तो जब सारे को मल्टीपल करेंगे 2×2=4, ठीक है, तो आ जाएगा कितना आ गया आपका, -4/5 आ गया, कितना आ गया, -4/5, ठीक। लेकिन इसको हमने कितने से भाग किया था, इसको हमने 20 से भाग किया था, तो हमको 20 से इसको गुणा कर, सॉरी यहाँ पे -4/5 आया, क्या आया, -4/5। तो माइनस में कभी होता नहीं, तो उसको प्लस करते हैं, प्लस करने के लिए क्या करते हैं, 5 में उतना जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे आ गया 1/5 आ गया, कितना आ गया 1/5। 1/5 में अब क्या करेंगे, 20 से हम गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे अंतिम लास्ट दो डिजिट कितना आ गया, 20 आ जाएगा, ठीक है। जितने से गुणा करेंगे उतने से लास्ट में, जितने से भाग किए रहेंगे उतने में आपको गुणा करना पड़ेगा लास्ट में। चलिए इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। एक क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा अगर कम समझ में आया होगा तो इस एग्जांपल को देखिए तो समझ में आ जाएगा आपको। दो एग्जांपल इसलिए हम रखते हैं, ठीक है, देखते हैं। 173×192×99×96 का अंतिम दो अंक, तो अंतिम दो अंक पूछा है, इस पर ध्यान रखिएगा कि कितने अंक पूछ रहा है। दो पूछ रहा है तो 100 से 1 पूछ रहा है, तो 10 से अगर 3 पूछ रहा है तो 1000 से भाग करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ क्या किया, इसको 100 से भाग किया। अब देखिए, देख रहे हैं कि कुछ कटता है तो काट देते हैं, काटते हैं जिससे आसान हो जाए। तो हमने 4 से इसको काट दिया, तो यहाँ पर आ गया 25, क्या आ गया 25, और इसको आ गया 24, ठीक है। अब 25 जब आ गया और कुछ कटेगा नहीं, नहीं कटेगा, ठीक है। अब इसको करिए, देखिए यहाँ पे है 25×7 जाएगा, 25×6=25×7, तो -2 बाल आ गया, ठीक है, माइनस कितना आ गया, -2 यहाँ पे। इसको हमने काटा 25×8=200, तो -8 आ गया, क्योंकि 200 से कितना कम है, ये 192, 8 कम है, ये 25×7=175 से कितना कम है, -2 कम है। इसको हमने किया 25×4=100 से कितना कम है, -1, इसको हमने एक बार किया कितना कम है, 1 कम। अब सारे का मल्टीपल कर दीजिए, तो 2×8=16 और सारा माइनस माइनस है चारों, तो 16 आ गया पॉजिटिव में, कितना आ गया 16 आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया 16/25। और हमने भाग कितने से किया था, 4 से, तो 16×64/100, यानी अंतिम दो अंक कितना आ गया आपका, 64 आ जाएगा। तो शेषफल भी आपका कितना होगा, 64 होगा, ठीक है। तो आज जो है हमने ये अंतिम दो डिजिट वाले पढ़ लिए हैं। एक टाइप और बनता है, उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, एक टाइप इसको और देख लेते हैं, या नहीं तो इसको कल देखते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये आज एक दिन में एक ही कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखते हैं। आप लोग इसको एक बार जो है प्रैक्टिस करिएगा, इसका जो है और ऐसे क्वेश्चन खुद से भी बना के आप जो है लास्ट डिजिट निकाल सकते हैं। आप प्रीवियस ईयर कोई पेपर देख के आप इसको हल करिएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल। एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो कि
लगभग पेपर में पूछा जाता है। अभी एक एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, ये वाला क्वेश्चन जो है पूछा गया था अभी यूपी टेट में, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक करें, शेयर करें, और जो है अपने मित्रों के साथ जो है उनको बताएं इस चैनल के बारे में, ठीक है। तब तक के मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।